और जैसा कैसे भारती जी ने बात रखी कि 11 तारीख को हम एक और एक मिलकर 11 हुए और एक ताकत इस प्रदेश में आई थी। बहुत सी चीजें उसके बाद देखने को मिली। एक व्यक्ति जो बड़े बड़े बातें कर रहा था, कह रहा था मैं संगठन बनाऊंगा, रैली करूंगा, 18 तारीख को शायद एक कमेटी बनाकर वापिस कांग्रेस के अंदर जाने का काम किया। वही दूसरी ओर जहां बीजेपी की बात करें, बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने इस प्रदेश के अंदर का सबसे बड़ा विकल्प और सबसे बड़ा चैलेंज है तो आपका ये गठबंधन है। बहुत से लोगों के मन में ये भी बात बारी बारी शायद जागती होगी कि 40-50 क्यों किया गया, कैसे कौन सी सीट किसके हिस्से में आई। बहुत से साथी बारी बारी इस सीट पर विचार करते हैं। साथियों, आज 40-50 की बात करें तो मैं एक चीज कह देता हूं, अगर ये 70-20 होता तो क्या बसपा के हमारे साथियों के मुंह पे रौनक देखने को मिली, या उल्टा होता 70 बसपा के पास होती 20 हमारे होती तो क्या आपके मुंह पर ये रौनक देखने को मिली। आज बराबरी और साथ मिलकर जब हम चलने की बात करते हैं तो मुझे लगता है इन सीटों के नंबरों की चिंता हमें नहीं करनी। जब चुनाव की बात आएगी और शायद भी वो सीट जिसके हिस्से में आए और वहां अगर दिखेगा कि इस सीट पर शायद बीजेपी का मजबूत कैंडिडेट भी है, बसपा का मजबूत है, मगर हिस्सेदारी के अंदर वो बीजेपी की आई है तो हमें फिर पीछे भी हटना पड़ेगा, हम साथी को ला करके अपने साथ। वही दूसरी ओर अगर वो सीट हमारे बजाय बसपा के हिस्से में और उस सीट पर कोई मजबूत साथी हमारे संगठन का है तो सीट निकाल सकता है, प्रदेश में परिवर्तन की नींव रख सकता है, तो मुझे लगता है फिर हमारे साथी को मार देने में भी परिवर्तन। यही मिलकर चलने की बात मुझे याद है जब बस भाजपा के साथ गठबंधन, भाजपा के पास 5 लोकसभा के कैंडिडेट नहीं आते थे, डॉक्टर उस समय चौधरी देवीलाल जी किशन सिंह सामान को भेजकर भाजपा के लिए से चुनाव लड़ा वो सांसद रहे। आज हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सीट किसके हिस्से में आए, ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या हमारे को हमारा कैंडिडेट यहां मिले। आज हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि परिवर्तन के अंदर एक मजबूत नींव हम रखने का काम करें और उस मजबूत नींव को रखने के लिए मिलकर जो भी गठबंधन का उम्मीदवार आपकी सीट पर आएगा उसको मजबूती से लालसा बढ़ने। मैं तो आज कहता हूँ प्रदेश की चौटाला जी हमारे संगठन के कर्ता धरता है, ये अगर किसी SC को BC को जनरल को या बसपा को भी एक हो जाता है इस गठबंधन का राज बनाकर इस प्रदेश में लाने का, वो यही होना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक रोजगार में 75% हिस्सेदारी हरियाणा प्रदेश के युवा से यही होना चाहिए जो बरसात में ऐसे पूर्व पड़ेंगे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कोई महिला, अगर कोई व्यापारी, अगर कोई कर्मचारी, अगर कोई किसान प्रताड़ित हो तो उसके लिए उसके अधिकार की लड़ाई लड़ने की सरकार हमें इस प्रदेश में बनाने का काम करता है। साथियों, आज हम प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश के हालात क्या है, प्रदेश के हालात को मत से बदहाल मुख्यमंत्री ने कर दिया। मैं देख रहा था कल का अखबार, उसकी कॉपी लेकर आया कि मुख्यमंत्री को आजकल रथ पे चढ़ने के बाद पता नहीं क्या हो गया, कल एक वीडियो आई नाच रहे थे रथ के ऊपर, एक बयान दे रखा और इस बयान पर लिखा है घोटाले हुए मगर हमने दवाई
बुजुर्गों के पास साथी तुम्हारे इनमें भी ये तो हमारे जैसे विपक्ष में बैठे लोगों की मेहनत थी कि इनके घोटालों की पोल खोलने का काम किया। हमने बताया कि किस तरीके से दवाइयां जो दो सौ पांच पांच रुपए की थी आपकी सरकार ने तीस तीस रुपए की बेचने का खरीद कर काम किया। ये बताया कि किस तरीके से इन रोडवेज के कर्मचारियों ने कि आप लोग जो किलोमीटर स्कीम लेकर आए हरियाणा प्रदेश की सरकार को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। ये तो पत्रकार साथियों ने दिन रात माइनिंग के पीछे पड़कर और खोली और नकदी रिश्वत लेते हुए अफसरों को पकड़वाने का काम किया जिसके अंदर लगभग 5000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हरियाणा प्रदेश को घोटाले के तौर पर इस बीजेपी की सरकार ने करने का काम किया। और एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री इस तरह के बयान जो दे रहे हैं कि घोटाले हुए हमने दबाए तो नहीं, मुख्यमंत्री जी हमारे इस हिसार प्रोजेक्ट में कहावत है शुद्धि छिपकली मच्छर घृणे खावे। जो शुद्धि छिपकली होती है वो मच्छर ज्यादा खाया करती है। आप शुद्धि छिपकली बनकर इस प्रदेश को 5 साल में खा गए। आप भूलिए इस प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री आपके गृह मंत्री होते हुए 4 साल के अंदर 80 लोगों को सरकारी गोलियों से मारा। वो पंचकुला में जो हादसा हुआ क्या वो मुख्यमंत्री जी आपने सूती छिपकली बंद कर दी? जहां आपने लोगों को बुलाया आपके मंत्रियों ने जाकर उनको जगह दी कि आप बैठिए खाना परोसा जाएगा, वो तो बेचारे श्रद्धा में गए थे। और जब नेते लोग श्रद्धा पूर्वक किसी संत के पास अपने दर्शन प्राप्त करने जा रहे थे तो आपने जैसे कश्मीर में गोलियां चलती थी पंचकुला की गलियों में गोलियां चलाकर 40 लोगों को मारने का काम। क्या ये हालात बरवाड़ा में नहीं हो? क्या ये हालात रोहतक में नहीं हो? मुख्यमंत्री जी आपकी सरकार के अंदर प्रदेश के प्रत्येक कोने में प्रत्येक वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी नक्सलपुर सारे बताओ है शिरोमणि संत रविदास मंदिर जो तुगलकाबाद में तोड़ा गया उसके चर्चा है। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, टीवी देखने का जो समय मिला दुख होता है देखते कि दिल्ली के अंदर हजारों लोगों को पीटा है सिर्फ थोड़े मुकदमे दर्ज हुए। बरहाल ये हालात कि वो गरीब पीटता है वो अपने आस्था के प्रति समर्पित ढंग से लड़ाई लड़ता गया पर किसी टीवी चैनल ने उसके बारे में चर्चा नहीं की। चर्चा करी जा रही है तो चिदम्बरम लुटेरा चिदम्बरम डाकू है। अरे चिदम्बरम डाकू है सीबीआई ने पकड़ दिया छोड़ दो, मगर जो हमारे अधिकार उनको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कुचलने का काम कर रही है इसको तो कहीं ना कहीं दिखाने का काम करो। साथियों मैं तो एक चीज बोलूं, तीन चीजों से संकट चलते और ये गठबंधन भी उन्हीं तीन चीजों पर चलेगा। पहली है चर्चा, दूसरी है पंचायत और तीसरी है चर्चा। आज आपकी आस्था के अंदर चाहे चौधरी देवीलाल की सोच के प्रति चलते हुए एक वोट और एक वोट की नीति को लेकर इस मैदान में उतरो, चाहे पोस्टर बनवा के लगाओ चाहे बैनर बनवा कर लगाओ चाहे गली गलियारों में बैठकर टीम बनाकर उस मुद्दे की चर्चा करो। हमारे पास काम करने के आज 50 दिन बाकी और इन 50 दिन में विधानसभा का चुनाव हमने लड़ने का है। और साथियों जब तक इन 50 दिन में एक मजबूत टीम की तरह हम उतरकर काम नहीं करेंगे, एक मजबूत टीम की तरह मैदान में उतरकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आप ये मानकर चलना बीजेपी की एक ये तो महान सोच कि किसी तरीके से भी मनी पावर से मीडिया पावर से इस देश को कब्जा लिया जाए इसको तोड़ नहीं पाए। मगर ये मनी पावर मीडिया पावर राजीव गांधी के समय में भी थी। राजीव गांधी की उस समय 411 लोकसभा की सीटें आई थी, लोग कहते थे कुछ नहीं हो पाए पर चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग को साथ लाने का काम किया। कर्मचारी वर्ग को साथ लेकर आए, किसान को साथ लेकर आए। उस समय मुझे याद है कि सीपीआईएम को भी साथ लाने का काम किया और उस राजीव गांधी की 411 की ताकत को हरियाणा प्रदेश में 5 पर लाकर छोड़ दिया।
आज कोई आना नहीं। आज लोग कह रहे हैं 75 बार, आज तो ऐसे हालात बीजेपी के अंदर है। मैं देख रहा था चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी को एक लट दिया। हरियाणा की राजनीति के अंदर जितने सालों से मेयर ने सबक पकड़ी है, हम हल दे देते हैं किसान की किसानी, हम रद्द दे देते हैं कि कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने उस रथ को चलाकर उस युद्ध को जीतने का काम किया। हम इस तरह की ऐतिहासिक चीज देते हैं जिससे हरियाणा प्रदेश को आगे हम दिखा सके, जैसे कि हमारी समाज सूचक हरियाणा प्रदेश की निशानी पकड़ी। मगर पहली बार इतिहास में हुआ कि लट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उस लट के मिलने के एक सप्ताह के अंदर कहां का लट बदली रणनीति बेचे रणदीप कौन जी गए केथल, और केथल में तो ऐसे लट बजे मेरे ख्याल से ना कुर्सी छोड़ी ना कूलर छोड़ा। और ये लट बजने की शुरुआत है साथियों, ये तो लोग भाग भाग कर बीजेपी में गए थे। आज ये हालात है कि इन लोगों का दम घुटने लग गया। कई साथी हमारे से भी गए, अब याद कर लेते हैं कि राजनीतिक तौर पर गलती हो गई, राजनीतिक तौर पर सुसाइड हो गई, एक अफवाह बना था, एक हवा बनी थी कि इस तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर भी अब विजेता की बात है। आप देखना धीरे धीरे ये विजेता दिखता जा रहा है, और अगर आप लोग इसी तरीके से ज्वाइंट तरीके से मजबूती के साथ अगले इस पूरे 50 दिन के अंदर मेहनत कर दोगे, बूथ स्तर पर जाकर वोटर स्तर पर जाकर एक एक साथी से अपना संपर्क मजबूती से निभाने का काम करोगे, तो ये विश्वास के साथ बता देता हूं कि बीजेपी 4 से 47 पर गई, आज विजेता की बात करती है, थोड़े से मजबूत हो जाओ इनको विजेता क्या वापिस 4 पर लौट छोड़ने का काम आप करेंगे। साथियों इसके लिए एक प्रोग्राम, क्योंकि समय कम, हरियाणा प्रदेश के 22 के 22 जिलों के अंदर पहुंचना बहुत जरूरी, और संयुक्त तौर पर जल्द से जल्द इसके लिए दोनों पार्टियों ने मिलकर निर्णय लिया कि 25 तारीख को सुबह मेवात से इसकी शुरुआत करी जाए। इसके अंदर नू के अंदर संयुक्त तौर पर हमारी एक बड़ी जनसभा के तौर पर हम इस पूरे संयुक्त प्रोग्राम की शुरुआत करें। इसके बाद पलवल के अंदर 2 बजे और फरीदाबाद के अंदर 4 बजे 25 तारीख को बैठक करी जाए। 26 तारीख को सुबह 10 बजे गुड़गांव, 12 बजे रेवाड़ी और 4 बजे महेंद्रगढ़ जिले की बैठक ली जाएगी। उसके बाद 27 तारीख को सुबह 10 बजे भिवाड़ी, 2 बजे फतेहबाद और 4 बजे सिरसा जिले की बैठक ली जाएगी। 28 अगस्त को 10 बजे दादरी, 12 बजे झज्जर और 3 बजे रोहतक की बैठक ली जाएगी। वहीं 29 तारीख को 10 बजे सोनीपत, 2 बजे पानीपत और 4 बजे करनाल जिले की बैठक ली जाएगी। वहीं 30 तारीख को 10 बजे जींद, 1 बजे कैथल और 3 बजे कुरुक्षेत्र जिले की बैठक ली जाएगी। 31 तारीख को 10 बजे यमुनानगर, 1 बजे अंबारा और 4 बजे पंचकुला जिले की बैठक ली जाएगी। ये संयुक्त तौर पर 22 के 22 जिले का हिसार वाले साथी सोच रहे होंगे हमारा नाम दिया, आज आपकी बैठक औपचारिक तौर पर आशीर्वाद आपसे करेंगे। और मेरे तो सौभाग्य है कि जिस तरीके से 5-7 बजे लोकसभा क्षेत्र के अंदर काम करने का मौका मिला, आज प्रदेश के अंदर बीजेपी चल रहा है। और साथियों पार्लियामेंट के अंदर 10 बीजेपी के गए, और मुझे लगता है यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति ये मानता है कि 10 ने हरियाणा प्रदेश के किसी एक विषय के बारे में भी पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कर लिया था। आज उन्नत स्थिति है कि हमने पार्लियामेंट के दरवाजे को भी अपने लिए बंद कर लिया, मैंने विधानसभा के दरवाजे को अब खोलने की चाबी हाथी लेकर दिल्ली की ओर रवाना हुआ। अब हमें उस जाति को
हरियाणा प्रदेश की सेक्रेटरीट की लोग कहते हैं चौथी मंजिल पे मुख्यमंत्री का मंत्री का दफ्तर है, पर मेरे आदमी को चौथी मंजिल को देखने का मौका नहीं मिलता। अगर आप चाहते हो कि उस चौथी मंजिल पर हरियाणा प्रदेश के गरीब से गरीब आदमी के जाने का अधिकार बनाने का काम करे तब ये 50 दिन मेहनत कर अपने संगठन को और मजबूत करने का काम करे। साथियों एक चीज और जो बहुत जरूरी है, 11 तारीख को हमने अनाउंस कर दिया जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का हर वर्ष जन्म दिवस सम्मान दिवस के तौर पर ऐतिहासिक समय से लेकर आज तक मनाते रहे, चाहे उसके अंदर संगठन का नाम कोई भी रहा। मुझे याद है जनता दल भी रही, दम कीपा भी रही, हर वर्ष जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाया जा रहा है। बहुत से साथी सोच रहे हैं कि हम सम्मान दिवस बनाएंगे, और वो पहले दिन हमने अनाउंस किया था क्योंकि हम चौधरी देवीलाल के विचारों को लेकर चल रहे हैं। मैं एक चीज जरूर बोलता, कई लोग कुटाला साहब का नाम ले लेते हैं, मैं तो 6वीं 7वीं क्लास में था, ना राज के ठाक देखे ना राज देखा, ना राज कैसे चलता है इसकी मेरे को सोचा, पर 5 साल पार्लियामेंट में रहकर काम करना सीखा है और उसके प्रति समर्पित भाव से आने वाले भविष्य में हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को मजबूती से आगे लेकर बढ़े, उसके ऊपर काम करने का निर्णय लेकर आगे बढ़ रहे। और उसी लेख मैं डॉक्टर जेसी चौटाला जी और डॉक्टर मेघराज जी से निवेदन करूंगा कि चर्चा करकर 25 तारीख का सम्मान दिवस संयुक्त तौर पर जननायक जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के किस हिस्से में किस क्षेत्र में बनाए इस पर अपना फैसला जरूर आज लेने का काम करे कि अगले आज से 37 दिन बाद का जो पावन पर्व होगा उसको एक एक कार्यकर्ता समर्पित भाव से ऐतिहासिक स्वरूप देने का काम करे और हरियाणा प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा सम्मान दिवस उस पावन धरा पर बनाने का काम करे। साथियों जो सम्मान दिवस के प्रभारी जो सम्मान दिवस के लिए जिम्मेवारियां दी जाएंगी उस पर आज संयुक्त तौर पर क्योंकि प्रभारी महोदय भी प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पर मौजूद है हम चर्चा करते हैं अगले 24 घंटे में आपके बीच में देने का काम करेंगे कि कौन कौन से जिले में कौन कौन सी विधानसभा के अंदर कौन कौन सा व्यक्ति किसकी जिम्मेवारी पे काम कर रहे सम्मान दिवस को और ऐतिहासिक बनाए। मैं एक निवेदन सबसे करूँ, एक निवेदन आप सारे साथियों से करूंगा कि जहां जरूरत पड़े अगर हमारा कोई साथी जिसके पास व्यवस्था इस गठबंधन का कोई साथी जिसके पास व्यवस्था साधन की नहीं मगर ये ताकत है कि वो 100-200 कार्यकर्ताओं को रैली सभा तक पहुंचा सकता है तो साथियों बड़े छोटे की बात नहीं है दिल खोल कर उसको साधन देने का काम करो। मैं आपसे एक चीज बता दूंगा कि जिस दिन आप इस प्रदेश का इतिहास उस रैली के माध्यम से रख लोगे चुनाव में केवल मात्र 20 दिन हमारे बीच में होंगे और वो 20 दिन के अंदर ऐसी हवा बनाने का काम करोगे जो हवा प्रदेश को एक नया स्वरूप देने का काम करेगी। मैं तो इतनी विनती करता हुआ निवेदन करूंगा कि डॉक्टर जेसी चौटाला जी जब भी आपके बीच में बोलने आए वो इस पर जरूर अपना व्यक्तित्व रखे कि जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जो सम्मान दिवस है उस सम्मान दिवस को प्रदेश के किस कोने में हमने बनाने का काम करना है। और मैं दोबारा मेघराज जी को और प्रकाश भारती जी को निशांत सिंह जी को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को खास तौर पर बधाई दूंगा कि आपने हरियाणा में कबेरे की किसान की मजदूर की युवा की महिला की छोटे व्यापारी की आज तो सोच को इस गठबंधन के तौर पर एक चक्कर एक और एक ग्यारह की ताकत को इस प्रदेश में बनाने का काम किया है। आने वाले 50 दिनों बाद इस प्रदेश में आपका राज बनाएगी इस प्रदेश की सत्ता को आपकी जोड़ी बनाने का काम। आपसे भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।